भांडवपुर महातीर्थ में तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का ग्रुप भगवंतों के प्रवेश के साथ हुआ भव्य आगाज। भांडवपुर महातीर्थ में पुण्य सम्राट जयंतसेन सुरेश्वर महाराज के पट्टधर द्वय की सुपनिश्रा में आयोजित 16 दिवसीय तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महामहोत्सव को लेकर गच्छाधिपति आचार्य नित्यसेन सुरेश्वर महाराज एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य जयरत्न सुरेश्वर महाराज, विमल गच्छाधिपति आचार्य प्रद्युमन विमल सुरेश्वर महाराज एवं आचार्य नरेंद्र सुरेश्वर महाराज आदि विशाल श्रमण श्रमणीवंद के मंगल प्रवेश के साथ महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। मंगल प्रवेश की भव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा पेट्रोल पंप समीप श्री वर्तमान राजेंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर सुसज्जित हाथी घोड़े सुसज्जित बग्गी बैंड बाजा ढोल धमाकों के साथ गुरु भगवंतों द्वारा जय घोष गुंजायमान करते हुए महातीर्थ की ओर रवाना हुई। वहां से तीर्थ परिसर में गुरु भगवंतों की शुभ निश्रा में नवनिर्मित श्री भरतपुर नगरी का उद्घाटन, आगंतुक अतिथियों के लिए आवासीय नगरी पावापुरी नगरी का उद्घाटन हुआ। वहीं तीर्थ के मुख्य द्वार पर गुरु भगवंतों का रजत कलश से सोमयाकर अक्षत और गहुली से बनाया गया। महिलाओं ने सर पर कलश धारण कर अगवानी की। उसके बाद बहुमान कक्ष का उद्घाटन किया गया। तोरण के लाभार्थियों द्वारा जिन्यालय एवं समाधि मंदिर पर तोरण बांधा गया। मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी ने बताया कि इस प्रतिष्ठोत्सव को निहारने के लिए देश भर से पधारे हजारों की संख्या में उपस्थित गुरु भक्तों के साथ गुरु भगवंत जिन दर्शन कर समाधि मंदिर में पूज्य योगीराज शांति विजय महाराज व पुण्य सम्राट जयंतसेन सुरेश्वर महाराज को वंदन कर श्री महावीर मंडप पधारे, जिसका उद्घाटन लाभार्थी परिवार द्वारा किया गया। वहां से प्रतिष्ठोत्सव के लिए विशाल निर्मित क्षत्रिय कुंड नगरी पधारे, जिसका उद्घाटन लाभार्थी परिवार द्वारा किया गया और शोभा यात्रा धर्मसभा में परिवर्तित हो गई। धर्मसभा का शुभारंभ गच्छाधिपति नित्यसेन सुरेश्वर महाराज ने करते हुए कहा कि हमें दूध में शक्कर की भांति मिलकर सबको साथ लेकर इस तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाना है, तभी गुरु के प्रति हमारा समर्पण कहलाएगा। भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव जयरत्न सुरेश्वर महाराज ने महोत्सव की अग्रिम रूपरेखा बताते हुए कहा कि अच्छे कार्य में संकट आते हैं, परंतु गुरु कृपा से वह सभी टल जाते हैं। सभा में विमल गच्छाधिपति प्रद्युमन विमल सूरी महाराज आचार्य नरेंद्र सूरी महाराज ने भी आशीर्वचन प्रदान किए। कार्याध्यक्ष मुनिराज आनंद विजय महाराज ने प्रतिष्ठा महामहोत्सव में पूर्ण समर्पण के साथ तन मन धन से सेवा सहयोग प्रदान करने वाले परम अनुमोदनीय हैं। मुनिराज निपुणतन विजय महाराज ने भी भांडवपुर की महिमा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध संगीतकार दीपक करण पुरिया ने सुमधुर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मन संचालन ओम आचार्य ने किया। वहीं दोपहर में श्री पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजा पढ़ाई गई। वहीं प्रातः नवकार श्री मुहूर्त उद्घोषणा लाभार्थी एक परम भक्त द्वारा की गई। दोपहर की नवकारसी का लाभ जाजम के लाभार्थियों की ओर से एवं साय की नवकारसी का लाभ भगवान के मुनि बनने के लाभार्थी परिवार की ओर से आयोजित की गई। श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी ट्रस्ट, श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भागोदय ट्रस्ट, श्री तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महोत्सव की समिति द्वारा आयोजित प्रतिष्ठा निमित्त कुंभ स्थापना, दीपक स्थापना, जल यात्रा एवं जवारारोपण लाभार्थी परिवारों द्वारा किया गया। भक्ति में आज के लाभार्थी परिवारों का बहुमान तीर्थ ट्रस्ट मंडल द्वारा किया गया। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयन अभिराम अंगरसन एवं प्रभु भक्ति रोशनी की गई। शाम को लाभार्थी परिवार द्वारा कुमारपाल महाराजा की आरती का लाभ लिया गया। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से मंडित इस भव्य प्रतिष्ठोत्सव में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि नगरों सहित निकटवर्ती ग्राम नगरों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ।
Thank you.